और यहाँ लिख देना चाहिए था गुरु, अभी रुके रहिए एक सेकंड। माँ लिखा है ना वहाँ, आइए ना। सही है ना, पच्चीस नंबर है ये, इतना हम लोग पढ़ेंगे। ये चालू है, ये कहाँ फंस गए गुरु, चालू कर दीजिए। चलिए पढ़िए सब लोग, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़िए। स घोषो धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। ऐसे करते हैं, सही है। चलिए, इसके पहले वाला प्रकरण अगर सबको याद होगा तब ये वाला श्लोक समझ में आएगा आपको। इसके पहले का प्रकरण यही था, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शंख बजाया गया, इसके बाद अर्जुन के द्वारा शंख बजाया गया, इसके बाद भीम के द्वारा शंख बजाया गया, इसके बाद युधिष्ठिर के द्वारा शंख बजाया गया, इसके बाद नकुल के द्वारा शंख बजाया गया, इसके बाद सहदेव के द्वारा शंख बजाया गया, इसके बाद सारे पांडवों की सेना के द्वारा शंख बजाया गया। जब सारे पांडवों की सेना के द्वारा शंख बजाया गया तो उस शंख से जो ध्वनि निकली है, बड़ी गंभीर ध्वनि, बड़ी तेज ध्वनि निकली है, उसी का वर्णन यहाँ है। देखिए लिखा है, स घोषः धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयान वेदारियत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन। तो यहाँ से देखेंगे, लिखा है सह तुमुलः घोषः, वह भयंकर घोष जो शंख से निकली है, वह घोष, वह ध्वनि, वह भयंकर घोष, वह भयंकर शब्द बन गया ना, जो पांडवों की शंख से ध्वनि निकली है, सह तुमलह घोषः, वह भयंकर शब्द, वह भयंकर घोष, वह भयंकर ध्वनि, लिखा है नभश्च पृथ्वीम चैव, आकाश को और पृथ्वी को भी बन गया, जो पांडवों के शंख से ध्वनि निकली है, सह तुमलह घोषः, वह भयंकर घोष, वह भयंकर ध्वनि, नभश्च पृथ्वीम चैव, आकाश को और पृथ्वी को भी व्यनुनादयन गूंजते हुए बन गया। पृथ्वी पर केवल शंख की ध्वनि नहीं गूंज रही है, नभश्च पृथ्वीम चैव ना, आकाश और पृथ्वी को भी व्यनुनादयन गूंजते हुए क्या किया, धार्त्र राष्ट्राणाम धृत राष्ट्र के पुत्रों के हृदयान हृदय को व्यदारियत विदीर्ण कर दिया, बन गया। पांडवों के शंख से जो गंभीर ध्वनि निकली है, सह तुमलह घोषः, वह गंभीर ध्वनि, वह गंभीर शब्द, वह गंभीर घोष आकाश और पृथ्वी को गूंजते हुए धार्त्र राष्ट्राणाम धृत राष्ट्र के पुत्रों के हृदयान हृदय को वेदार्यत विदीर्ण कर दिया, बन गया। उधर से शंख बजी थी कौरवों की तरफ से, इधर किसी का हृदय घायल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जब पांडवों की तरफ से शंख बजी तो केवल दुर्योधन का अकेले नहीं, धार्त्र राष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का हृदय क्या हो गया, विदीर्ण हो गया, बन गया, कोई दिक्कत। पढ़िए, स घोषो धार्त्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्
नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। यहाँ तुमुल पद का अर्थ क्या है? भयानक, भयंकर ना, भयंकर ध्वनि। पूछेगा धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय किससे व्यदीर्ण हो गया? इससे, भयंकर घोष से। वो भयंकर घोष, जो भयंकर ध्वनि निकली थी, किसकी थी? शंख की। शंख किसकी थी? पांडवों की। शंख के दो, शंख के द्वारा जो गंभीर ध्वनि निकली, उस गंभीर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गूंजते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। ये वाली सूक्ति वाक्य है, प्रवक्ता के पेपर में आया था। यहाँ डैश डैश डैश, यहाँ इसको भरना था केवल। प्रवक्ता का पेपर सॉल्व करेंगे, ये लाइन मिलेगी, सूक्ति वाक्य है, इसमें केवल भरने के लिए दिया था। ठीक, लिखा था स घोषो धार्थ राष्ट्रणाम डैश 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 व्यदारयत। भरना था हमको क्या? हाँ, सही ऑप्शन। हाँ, यहाँ ऐसे डैश 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 करके दिया था, रिक्त स्थानम पूरयत ऐसे करके दिया था, नीचे चार ऑप्शन दिया था, उसमें हृदयान को भरना था। कोई दिक्कत? ये सूक्ति वाक्य है, इसको टिक कर लीजिए। आगे चलें, पढ़िए। अथव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। इसके बाद क्या हुआ? जब धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया, तब वो लोग जो कौरव पक्ष के लोग थे, सब के सब खूब अच्छी तरह से तैयार होकर के युद्धक क्षेत्र में डट गए। किसमें? हाँ, चलिए देखिए, लिखा अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त्र राष्ट्रान कपित ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्दम्य पांडवः। यहाँ भी इसको भी पढ़ लीजिए, इसके साथ में इसका अर्थ होगा। पढ़िए ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम् माह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युता। जब कौरों के पुत्रों, कौरों मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया, तब ये लोग युद्धक क्षेत्र में मतलब सज धर कर, मतलब सज धज के पूरे तैयारी के साथ युद्धक क्षेत्र में खड़े हो गए। इसके बाद अर्जुन उन लोगों को देखता है, ये लोग युद्धक क्षेत्र में बड़े व्यवस्थित तरीके से खड़े हैं। तब देखिए क्या हुआ, लिखा है अथ इसके बाद ना, इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है महीपते। ये कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? संजय कह रहा है। किससे कह रहा है? धृतराष्ट्र से कह रहा है। कह रहा है महीपते, हे पृथ्वीपति ना, हे पृथ्वीपति, हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र। यहाँ पूछेगा महीपते किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। कौन कह रहा है? संजय। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, हे महीपते, हे पृथ्वीपति, हे राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, अथ इसके बाद। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ लिखा है व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपित ध्वजः। यहाँ से अर्थ लीजिए कपित ध्वजः पांडवः, कपित ध्वजः पांडवः। यहाँ पांडव पद से केवल अर्जुन का बोध हो रहा है, सारे पांडवों का बोध नहीं होगा, केवल अर्जुन का बोध हो रहा है। लिखा है कपित ध्वजः, जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराज रहे हैं, ऐसे अर्जुन ने बन गया कपित ध्वजः। जिसके रथ की ध्वजा पर कपि हनुमान जी विराज रहे हैं, ऐसे पांडव, ऐसे अर्जुन ने, ऐसे अर्जुन ने व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप से युद्धक क्षेत्र में खड़े हुए धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को दृष्ट्वा देख करके क्या किया? तदा उस समय, उस समय शस्त्र संपाते, लिखा है प्रवित्ते, शस्त्र चलाने की प्रवृत्ति से धनु उद्यम्य, धनुष को उठा करके। कौन उठाया है धनुष? अर्जुन उठाए हैं। क्यों उठाए हैं? लिखा है व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान दृष्ट्वा,
धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्धक क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से खड़े होकर के दृष्टवा देख करके तब शस्त्र संपाते शस्त्र चलाने की प्रवृत्त से धनुः उद्यम अपनी धनुष को उठा करके क्या लिखा है ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से इदम वाक्यम आह इस वचन को कहा। बन गया, जब विपक्षी लोग सेना में व्यवस्थित रूप से डट गए हैं तब अर्जुन से देखा नहीं गया ना, तब अर्जुन शस्त्र चलाने की प्रवृत्ति से अपने धनुष को उठा लिया है और धनुष को उठाने के बाद उनका रथ हाँक रहे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण से इदम वाक्यम आह इस प्रकार के वचन को कहा ना, इस प्रकार के वचन को कहा। अब यहाँ से अर्जुन का कथन शुरू होगा, यहाँ अर्जुन लिखा होगा आपकी किताब में आगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहा है देखिए, सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत ना, किससे कह रहा है अर्जुन? भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है अच्युत, अपने कार्यों से च्युत न होने वाले हे भगवान अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण मे रथम मेरे रथ को, मेरे रथ को उभयोः, यहाँ लिखा है ना उभयोः सेनयोः, उभयोः सेनयोः मध्य लिख, उभयोः सेनयोः मध्य दोनों सेनाओं के बीच में स्थापय स्थापित कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। बन गया, जब अर्जुन से देखते नहीं बना कि कौरव पक्ष के जो लोग हैं बड़े व्यवस्थित ढंग से युद्ध क्षेत्र में डट गए हैं, लिखा है व्यवस्थितान धृतराष्ट्रान दृष्ट्वा व्यवस्थित रूप से युद्ध क्षेत्र में डटे हुए धृतराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को दृष्ट्वा देख करके शस्त्र चलाने की प्रवृत्ति से धनुष को उठा करके, कौन उठाया है? कपित ध्वज पांडव। ऐसे अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण से इदम वाक्यम आ इस प्रकार के वचन को कहा। क्या कहा? ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मे रथम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। बन गया, अच्युत पद से किसका बोध हुआ? महीपते से किसका बोध हुआ? पांडव से किसका बोध हुआ? कपित ध्वज से किसका बोध हुआ? अर्जुन का बोध हुआ, जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराज रहे हैं, ऐसे पांडव ऐसे अर्जुन ना। बन गया, महाभारत की लड़ाई देखे हैं, जब कर्ण और उनका अर्जुन का युद्ध हो रहा था तब इनके ध्वजा पर बैठे हुए थे हनुमान, जब इधर से तीर चलती थी तो एक लोगों का 3 कदम पीछे जाता था रथ, तो 100 कदम पीछे जाता था, अर्जुन के ज़्यादा पीछे जाता रहा, तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते थे वाह कृष्ण वाह वाह कर्ण वाह। और पूरा देखिए ठीक, तो ये वाला श्लोक समझ गया, यहाँ से अर्जुन का कथन स्टार्ट हो गया। अर्जुन कह रहे हैं हे अच्युत, हे अपने कार्यों से च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये वाला कपित ध्वजा, कपि जिसकी रथ की ध्वजा पर है, कपि मतलब होता का है बानर, सही होता है ना, बानर है हनुमान जी, और हनुमान जी जिसकी रथ की ध्वजा पर बैठे हैं, किसकी रथ की ध्वजा बैठे हैं? अर्जुन के। तो यही लिखा है कपित ध्वजा पांडवा, ये पांडव का विशेषण हो गया ठीक, जिसकी रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराज रहे ऐसे अर्जुन ने। बन गया ना, कोई दिक्कत? यहाँ से ये वाली लाइन पूछी जा सकती है आपकी ठीक, यहाँ अच्युत पद से किसका बोध हो रहा है? प्रवक्ता पढ़ने वाले जो शब्द आ रहे हैं, कृष्ण के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ, अर्जुन के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, धृतराष्ट्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, युधिष्ठिर के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, वहाँ शब्दों को लिखते चलिए क्योंकि पूछा जाता है ये प्रश्न ठीक। पढ़िए, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदावाक्यं इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। उधर पढ़िए, यावदेतान् निरीक्षेऽहम्
युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। पढ़िए, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यहाँ से लीजिए अर्थ, अस्मिन् रण समुद्यमे, अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रण रूपी व्यापार में। अर्थ ऐसे बनेगा, अस्मिन् रण समुद्यमे, इस रण रूपी व्यापार में। रण रूपी व्यापार तो होने वाला है, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म रूपी कुरुक्षेत्र है, जहाँ पहले धर्म की बात हो रही थी, वहाँ आज क्या होने जा रहा है, युद्ध होने जा रहा है। वो भी युद्ध दो अपने सगे भाइयों में, ऐसा कह सकते हैं ना, धृतराष्ट्र और पांडवों के पुत्रों में युद्ध होने जा रहा है। लिखा है अस्मिन् रण समुद्य में, इस रण रूपी व्यापार में। कौन कह रहा है ये? अर्जुन कह रहे हैं। यहाँ से अर्जुन का कथन प्रारंभ हो गया है, सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय में चुता ना। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि इस रण रूपी व्यापार में, अस्मिन् रण समुद्य में, इस रण रूपी व्यापार में मया मुझे कई हिस्सा किसके किसके साथ योद्धव्यम युद्ध करना है। बन गया, इस रण रूपी व्यापार में मया मुझे कई हिस्सा किसके किसके साथ योद्धव्यम युद्ध करना है। अहम निरीक्षे, मैं उनका निरीक्षण करूँगा। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, मेरे साथ मतलब किसके किसके साथ इस रण रूपी व्यापार में मुझे युद्ध करना है, मैं उन सबका निरीक्षण करूँगा। अहम निरीक्षे ना, मैं उन सबको देखूंगा, मैं उनका निरीक्षण करूंगा। डायरेक्ट लड़ाई करना शुरू कर दें भगवान वो अर्जुन, पहले वो जाके निरीक्षण करता है सबका, हमको किसके किसके साथ युद्ध करना है, पहले जाके सबको देखते हैं। ठीक है, हाँ। तो अस्मिन् रण समुद्य में, इस रण रूपी व्यापार में मया, मया मतलब मुझे, मुझे किसे, अर्जुन को, तो मया मुझे कई हिस्सा किसके किसके साथ योद्धव्यम युद्ध करना है। अहम निरीक्षे, मैं उनका निरीक्षण करूंगा ना। यहाँ सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो मया में और कई में कौन सी विभक्ति है ना। बन गया, तो इस रण रूपी व्यापार में मुझे किसके किसके साथ युद्ध करना है, अहम निरीक्षे, मैं सबका निरीक्षण करूँगा ना। यावद लिखा है, यावद मतलब जब तक, यहाँ लिखा है एतान, यावद एतान, टूट गया शब्द, टूटेगा अर्थ समझ में आएगा। लिखा है यावद एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान। यहाँ लिखा है योद्धु कामान, नाम से निकलेगा आ अवस्थितान। बन गया, तो देखिए लिखा है योद्धु कामान, युद्ध की कामना से, युद्ध की अभिलाषा से, युद्ध की इच्छा से, अवस्थितान स्थित हुए, खड़े हुए, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए एतान इन कौरवों को अहम निरीक्षे, इन कौरवों का मैं निरीक्षण करूँगा। बन गया, युद्ध की कामना से अवस्थितान उपस्थित हुए, खड़े हुए, स्थित हुए एतान इन कौरवों का अहम निरीक्षे, मैं निरीक्षण करूँगा। कौन कह रहा है? आम पद से किसका बोध हुआ? एतान पद से किसका बोध हुआ? एतान पद से कौरवों का बोध हो रहा है। मैं एतान इन कौरवों का निरीक्षण करूंगा ना। यहाँ मया पद से किसका बोध हो रहा है? अर्जुन का बोध हो रहा है। कोई दिक्कत? प्रवक्ता वाले बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय से प्रश्न अनत्ताएँ है प्रवक्ता में। ठीक, बाकी झारखंड वाले द्वितीय अध्याय को पढ़िएगा दबा के। तो हो गया, पढ़िए, यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। तो इस रण रूपी व्यापार में मुझे किसके किसके साथ युद्ध करना है, अहम निरीक्षे, मैं उन सबका निरीक्षण करूंगा ना। ऊपर की लाइन में कह दिए युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से अवस्थितान उपस्थित हुए, खड़े हुए, इस रण रूपी व्यापार में जो जो युद्ध की कामना से उपस्थित हुए हैं, ऐसे लोगों का एतान मतलब इन कौरवों का अहम निरीक्षे, मैं निरीक्षण करूँगा, मैं उनको देखूँगा ठीक ठाक से। ठीक, बन गया, आगे चलें।
पढ़िए, योच्यमानान वेक्षेयम् या एते त्रिसमागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। लिखा है, पढ़िए, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। लिखा है, दुर्बुद्धे, जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई है ना, दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे धार्तराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का, बन गया अर्थ, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई है, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का युद्धे, इस युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चाहने वालों को, बन गया ना। तो जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई है, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का इस युद्ध में जो जो क्या प्रिय चाहने वाले हैं, प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चाहने वाले, या मीन्स जो जो राजा लोग योच्यमानान, युद्ध की इच्छा से अत्र समागता, यहाँ पर उपस्थित हुए, अत्र समागता, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बन गया ना। देखिए, यहाँ से दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का युद्धे, इस युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चाहने वाले जो जो राजा योच्यमानान, युद्ध में, युद्ध की इच्छा से अत्र समागता, इस रण रूपी व्यापार में इकट्ठा हुए हैं, एते, इन राजाओं को अहम अवेक्षे, यहाँ अहम होगा ना, क्या है यहाँ, अहम है ना, तो अहम अवेक्षे, मैं इन लोगों को देखूंगा, बन गया। चलिए देखिए, दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला कौन है, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, धार्तराष्ट्र से किसका बोध हुआ, दुर्योधन का, जो दुष्ट बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का युद्ध, इस युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चाहने वाले, या मीन्स जो जो राजा लोग, या मीन्स जो जो राजा लोग योच्यमानान, युद्ध की इच्छा से अत्र समागता, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं, एते, इन इन राजाओं को अहम अवेक्षे, मैं देखूँगा, मैं इनका निरीक्षण करूँगा। ठीक, बन गया, कोई दिक्कत, एक बार इसको पढ़िए, फिर नीचे चलें, पढ़िए, योच्यमानान अवेक्षे हम या एते त्रिसमागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। किसी को ये तो नहीं लग रहा है, बहुत तेजी से चल रहे हैं हम लोग, बहुत जने फोन से कहने ऐसे भागे जैसे ट्रेन छूटत बा, सामने क्यों ना, समझ में आ रहा है खूब अच्छे से ना, एक एक शब्द समझ में आ रहा है, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है। भगवत गीता में सूक्ति आपको याद हो जाए, कौन शब्द किसके लिए आया है ये याद हो जाए, 18 अध्यायों के नाम याद हो जाए, 18 अध्यायों के लास्ट में भगवत गीता को किस नाम से जानते हैं ये याद हो जाए, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से लिए गए ये याद हो जाए, आपका एक प्रश्न ही गलत होगा। ठीक, चलिए, कल हम लोग शाम को दवा लेके आ रहे थे, हम और एसडी सर, दो भाई लोग वहाँ बैठे थे स्टेशन के जस्ट बगल में, एक मंदिर है, मंदिरों के बगल से ऐसी रोड गई है, रोडों के बगल ऐसे ये ईंटा वाला वो बना है, वहीं चटाई बिछाई बिछाए दो जने बैठे रहें, झारखंड तैयारी करत रहें। सोचिए, पढ़ने वाले एसडी सर जाके वहीं भुइयें बैठ गए, इतनी आँच फेंकत रही भुइयें से, उठ गाड़ी बैठ गए, कहाँ कैसे बैठे आ गए, कहाँ कहाँ करी साहब, सबकी उम्र लगभग 35 प्लस थी, कहाँ हमेशा कि यहाँ चीज़ें ना दिखात बाटे, वो अपन लड़के बच्चा दिखाते हैं। तो हम लोग उनका 10 मिनट का हम लोग टाइम ले लिए, भले ही, क्योंकि सब अपने ही थे, कोई सर के यहाँ पढ़ा था, कोई कहाँ पढ़ा था, सबसे दोस्ती ठीक ठाक थी, हम लोग 10-15 मिनट टाइम लिए, तो हमको लगा इनका टाइम, तो हम लोग 10-15 मिनट लिए, अंधेरा भी होने वाला था थोड़ा थाड़ा, तो हम सोचे नहीं से कुछ दे ही दे, हम कह क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, कहा भाषा विज्ञान, हमका किताबी बंद कर वो सिलेबसों ले, दो मिनट में बता ही देते काका बा कैसे बा, मुश्किल 5-7 मिनट में उनका जितना झारखंड का सिलेबस जितना पढ़े थे उससे ज़्यादा हम मेजबानी बता के चले आए, हम कहे हमारे वजह से नुकसान न हो।
पढ़ने वाले ऐसे पढ़ रहे हैं और हम आप रूमों में नहीं पढ़ पा रहे हैं। हो सकता है उनका पार्टनर संस्कृत का ना हो, डिस्टर्बिंग होती हो, इनको संस्कृत पढ़ना है बोल बोल के पढ़ना होता हो, इनको कन्वर्सेशन की ज़रूरत हो, इसलिए एक और अपना साथी ढूंढ के ज़मीन पे बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। और ऐसी ज़मीन पे बैठे हैं जहाँ से एकदम आँच फेंकत बा नीचे सड़क। तो बहुत लोग पढ़ने आते हैं, तो आपके रूम पर अगर ऐसी व्यवस्था है अपने रूम पर बनाइए, पढ़िए कम से कम। कुल मिला जुला के उनको देखने के बाद ये लगा कि अभी तो हम लोगों के पास टाइम है, साल दो साल और बीते ना थमाओ से रोडे पाई आप, तो रोड पे आने की स्थिति ना बने, इतनी मेहनत कर लीजिए। ठीक है, वही देखिए लास्ट में लिखा है योग शास्त्र किताब के एकदम अंत में। ठीक, अब ये दोनों श्लोक हमको एक साथ पढ़ना है, कुछ श्लोकों को एक साथ पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। यहाँ हमको एक दो तीन लाइन एक साथ पढ़नी थी, ये वाली लाइन अलग पढ़नी थी, इसलिए हम इसको यहाँ वो कर दिए। आपके किताब में भी ऐसे दिया है, यहाँ से अर्जुन का कथन शुरू हो जाता है, इसके ऊपर जो बोला है वो संजय बोला है। ठीक, अब आइए यहाँ देखिए, पढ़िए। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ा केशे केशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। यहाँ देखिए आपका लिखा है, ये है ना, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन इसके पहले श्लोक में कह चुका है कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अब वही सब होने वाला है। ठीक, जब कौरवों की सेना बड़े व्यवस्थित ढंग से युद्ध क्षेत्र में डट चुकी है, तब इन सबको देखने के बाद अर्जुन शस्त्र चलाने की प्रवृत्ति से अपने धनुष को उठाता है और भगवान श्री कृष्ण से इदम वाक्यम आह इस प्रकार के वचन को कहता है। किस प्रकार के वचन को कहता है? सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युता, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए ना। ये वाला याद रहेगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम इसका रिवीजन करवा रहे हैं। तब इसके बाद लिखा है एवं एवं उक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुन इति। टूट गया शब्द, यहाँ लिखा है आपका भारत ना, भारत लिखा है यहाँ, यहाँ से शायद संजय का कथन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ना, हाँ संजय का कथन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक, यहाँ से संजय अब फिर धृतराष्ट्र से बता रहा है, जब अर्जुन के द्वारा कह दिया गया कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा क्या किया गया, यही बात जो है संजय धृतराष्ट्र से बता रहा है। ठीक, लिखा है एवं एवं उक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, हे भरत के पुत्र भारत, ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से। यहाँ भारत किसके लिए आया है? ये आया है धृतराष्ट्र के लिए ना। संजय कह रहा है हे भरत के पुत्र भारत, इसके बाद क्या हुआ? हे भारत, गुडाकेशेन अर्जुन के द्वारा, नोट कर लीजिए, गुड़ाकेश शब्द भगवद गीता में किसके लिए आया? अर्जुन के द्वारा आया है। ऋषिकेश किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। यहाँ पर भारत किसके लिए आया है? कहीं कहीं अर्जुन के लिए भी भारत शब्द आएगा, लेकिन यहाँ पर किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। जहाँ जहाँ संजय बोलेगा वहाँ वहाँ भारत धृतराष्ट्र के लिए आएगा, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे वहाँ वहाँ भारत अर्जुन के लिए आएगा। बन गया, तो यहाँ संजय बोल रहा है, कह रहा है हे भरत के पुत्र भारत, गुडाकेशेन अर्जुन के द्वारा एवं उक्ता इस प्रकार कह देने पर, पिछली कहानी याद हो गई तो इसका अर्थ समझ में आएगा। हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कह देने पर ऋषिकेशा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रकार, किस प्रकार कह देने पर,
सेनयोर उभयोर मध्यम रथम स्थापय में च्युत। इस प्रकार अर्जुन के कह देने पर गुड़ा के सेन एवं उक्त्वा अर्जुन के इस प्रकार कह देने पर ऋषिकेशा भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, यह लिखा है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिक्षिताम। भीष्म पितामह के सामने, द्रोण गुरु द्रोणाचार्य के सामने, प्रमुखता मतलब सामने ना, अर्जुन के इस प्रकार कह देने पर भीष्म पितामह के सामने और गुरु द्रोणाचार्य के सामने और किसके सामने लिखा चा मीन्स और सर्वेशाम महिक्षिताम सभी राजाओं के सामने ना, तीन चीज बता रहे हैं यहाँ। अर्जुन के इस प्रकार कह देने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तो भगवान श्री कृष्ण यही कर रहे हैं भीष्म पितामह के सामने और गुरु द्रोणाचार्य के सामने और सर्वेशाम महिक्षिताम सभी राजाओं के सामने। सभी राजाओं के सामने क्या कर रहे हैं, सभी राजाओं के सामने लिखा है यहाँ सेनयो उभयो मध्य स्थापयित्वा रथ उत्तमम ना, उभयो यहाँ लिखा है सेनयो उभयो दोनों सेनाओं के बीच में बन गया, दोनों सेनाओं के बीच में अपने उत्तम रथ को स्थापयित्वा खड़ा करके, अपने उत्तम रथ को खड़ा करके, कहाँ खड़ा कर रहे हैं रथ, दोनों सेनाओं के बीच में किसके किसके सामने खड़ा कर रहे हैं रथ, भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने और बाकी सभी राजाओं के सामने ना। भगवान श्री कृष्ण भी कम चलाक नहीं है, सीधे रथ ले गए महारथियों के पास जहाँ भीष्म पितामह खड़े थे और जहाँ गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, उनके सामने रथ को खड़ा किया और जहाँ कौरवों की सेना खड़ी थी, पांडव की सेना खड़ी थी, ठीक उसके बीच में अपने उत्तम रथ को खड़ा कर दिए हैं भगवान श्री कृष्ण ना, अपने उत्तम रथ को खड़ा करके इति इस प्रकार उवाच कहा, बन गया। भगवान श्री कृष्ण है भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, सभी राजाओं के सामने और दोनों सेनाओं के बीच में अपने उत्तम रथ को स्थापित करके खड़ा करके इति उवाच इस प्रकार कहा, क्या कहे हैं भगवान श्री कृष्ण है? लिखा है पार्थ अर्जुन से कह रहे हैं, वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया ना। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, पार्थ हे पार्थ पश्य देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं हे पार्थ पश्य देखो, किसको देखो, लिखा है यहाँ समवेतान एतान कुरून, समवेतान इकट्ठा हुए, एतान कुरून इन कौरवों को पश्य देखो, बन गया इकट्ठा हुए इन कौरवों को देखो, कौन कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण के वचन को संजय महाराज धृतराष्ट्र से कह रहा है ना। जब अर्जुन के द्वारा कहा गया हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तब भगवान अर्जुन के इस प्रकार कह देने पर गुणा के सेन एवं उक्ता अर्जुन के इस प्रकार कह देने पर ऋषिकेशा भगवान श्री कृष्ण ने गुरु भीष्म पितामह के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, सभी राजाओं के सामने क्या लिखा है यहाँ सेनयो उभयो मध्य दोनों सेनाओं के बीच में अपने उत्तम रथ को स्थापित करके इति उवाच इस प्रकार कहा, क्या कहा, कह रहे हैं पार्थ हे अर्जुन समवेतान इकट्ठा हुए एतान कुरून इन कौरवों को पश्य देखो। अर्जुन देखने के लिए ही तो लालायित है, देखने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया है कि महाराज हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं इन पक्ष के कौरव पक्ष के योद्धाओं को मैं देखूंगा, इनका निरीक्षण करूंगा ना। मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र जो जिसकी बुद्धि समाप्त हो गई है, ऐसे दुर्योधन का युद्ध में प्रीच आने वाले कौन कौन से राजा हैं, ऐसे राजाओं का मैं निरीक्षण करूँगा। ये सब कह देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के सामने, द्रोणाचार्य के सामने, सभी राजाओं के सामने, दोनों सेनाओं के बीच में अपने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, क्या कहा, पार्थ हे अर्जुन हे पृथापुत्र अर्जुन, पार्थ किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए आया, पूछेगा यहाँ पार्थ किसके लिए आया, अर्जुन के, हे पृथापुत्र अर्जुन समवेतान इकट्ठा हुए एतान कुरून इन कौरवों को पश्य देखो, बन गया। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, जब कौरवों को अर्जुन देखेगा ना तो ये व्याकुल हो जाएगा, अब क्योंकि सामने जो भी खड़े हैं इसके गुरु हैं
ना, भीष्म पितामह इसके यहाँ के वृद्ध हैं ना, इसके बाद जो भी खड़े हैं सब इसके बंधु बांधव हैं। अब अर्जुन यहाँ से पगलाना शुरू हो, जब वहाँ दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हो गया है तब अर्जुन सबको देखेगा, ये तो सबके सब हमारे रिश्तेदार हैं, सब हमारे बंधु बांधव हैं, हम इनके ऊपर कैसे वार करेंगे। अब यहाँ से अर्जुन पगलाना शुरू कर देगा, 47वें श्लोक में जाते जाते अपने धनुष को अपने रथ के पीछे फेंक देगा, वहीं बैठ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से कहेगा, महाराज हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, इन लोगों को जीतने दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसको बंद कर दीजिए, बन गया ना। अब इसके आगे कल अर्जुन वो पगला जाएगा।